पेट्रोल पंपों पर धोखाधड़ी होने का मामला अक्सर सुनने में आता है, पर ये शिकायतें अक्सर पेट्रोल की मात्रा को लेकर की जाती हैं। जहां इन शिकायतों पर सरकार अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंपों पर मिलने वाली सीएनजी गैस में भी अब मिलावट होने की खबरें आने लगी हैं। मुंबई में पेट्रोल पंपों पर मिलने वाली महानगर गैस के नेचुरल गैस में एलपीजी गैस की मिलावट होने की वजह से ऑटो टैक्सी चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 70-80 रुपए 100 रुपए का फर्क पड़ा है। 130-140 का गैस जाता, अभी 200-220-210 ऐसा जा रहा है। बहुत भारी पड़ा, लाइन भी अलग से लग रहा है, बहुत जबरदस्त लाइन लगता है। बोलते एलपीजी मिक्स आ रहा है बोलते उस चक्कर में, लेकिन 150 रुपए का फर्क पड़ा है, 100-150 रुपए का। उसके लिए हम लोग परेशान हो गए, मतलब जेब देखना पड़ता है कि मतलब 350-400 रहेगा तो ही भरा सकते, नहीं उसके पहले आने के भरा ही नहीं सकते। अभी तो गैस आजकल तो मिक्सअप आ रही है, जब हम सिंगल रेट में डालते हैं डबल रेट का पैसा भरना पड़ता है। अब उसको करेगा क्या, जब वहाँ से मेन लाइन से ही अगर मिक्स आ रहा है ये पंप वाले क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। प्राइवेट कार मालिकों का भी कहना है कि मिलावटी गैस की उन्हें कीमत भी अधिक चुकानी पड़ रही है और उसकी वजह से जान का जोखिम भी बना रहता है। अभी तो हमारा 9 किलो 9.5 किलो जाता है, 450-500 रुपये का कॉस्ट जाता, पहले तो इतना ज़्यादा नहीं जाता था। अभी ये इसका कहना है उसके अंदर एलपीजी मिक्स करके आ रहे हैं, उसके वजह से ज़्यादा प्रेशर जा रहा है उसमें। एलपीजी मिक्स करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, एलपीजी जो है वो ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, वो कभी भी आग लग सकते हैं उसमें। सीएनजी ऐसा है वो एकदम नॉर्मल है, उसमें इतना इन्फ्लेमेबल नहीं है, बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो जाता है, तो ऐसा मिक्स आ जाता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। गैस मिक्स आ रहे तो जो अपने 200 में होता था वो उसके लिए 300-350 रुपये लग रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। गैस नहीं जाती है पर पैसे जा रहे हैं हमारे उल्टा। जहां कुछ लोगों ने मिलावटी गैस को आर्थिक बोझ और जान का खतरा बताया, वहीं कुछ लोगों ने इसे पेट्रोल पंप वालों का मिलावटी कारोबार बताया। ये सब पेट्रोल पंप के अंदर के लोगों की सेटिंग होती है, पता नहीं ये कहां से मिक्सअप कर देते हैं। जबकि महानगर गैस के जो पंप है खुद के, वहां जाकर के देखोगे तो वहां कोई मिक्सअप नहीं होता है, या ऐसे ही कैसे गैस में दूसरा कोई चीज घुस सकता है। इसके ऊपर बंधन डिपार्टमेंट ने करने चाहिए, जिसके लिए पुलिस खाता है, सीआईडी खाता है, जो भी खाते हैं। अब उन्होंने ये खाना छोड़ के इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मिलावटी गैस से सबसे अधिक परेशानी ऑटो टैक्सी चालकों को हो रही है। इनका कहना है कि घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद हमें पेट्रोल पंप से मिलावटी गैस भरना पड़ रहा है, इससे हमें आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, जान का भी जोखिम बना रहता है। प्रॉब्लम ये है, 2-3 घंटे लाइन लगाना पड़ता है, गैस गाड़ी में 250-300 गैस जा रहा है, जिसमें 150 गैस जाता है, ये सब प्रॉब्लम है। परेशानी यही, हमारी लाइन बढ़ गई है, जहाँ 150 गैस जाना चाहिए वहाँ 250 का जा रहा है। परेशानी अब 2 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे तो हम धंधा क्या करेंगे साहब। 130-140-150 का डालते थे, अभी 230-140 का जाता है। वहीं जब इस मिलावट के बारे में पेट्रोल पंप मालिक से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मिक्सअप का रीज़न तो हम नहीं बता सकते, सीधी सी बात है, वो आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, उसमें क्या आ रहा है हम बगैर कंफर्म किए नहीं बता सकते। जबकि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने खुलकर मिलावटी सीएनजी गैस की आपूर्ति होने वो वाहन चालकों द्वारा इस बाबत शिकायत किए जाने की बात स्वीकारी। हाँ सर, हम लोगों को बातें सुनना पड़ रहा है, गैस मिक्स आ रहा है, सामने वाले की गाड़ी में ज़्यादा जा रहा है, तो सामने वाला हम लोगों के ऊपर एग्री कर रहा है कि तुम लोगों को मशीन में कोई फोड़ किए हो क्या, कि इतना गैस जा रहा है। हम लोग उसमें क्या किए हैं, जो महानगर जैसा मशीन को सेट किया हुआ है उसी तरीके से हम लोग पाइप लगा रहे हैं, पाइप का पैसा ले रहे हैं। एक्चुअली क्या सर, समझाने में उनको लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि हाईएस्ट गैस जा रहा है मेरे गाड़ी में, जहाँ 450 जाता है वहाँ 500 जा रहा है, 550 जा रहा है, फिर भी हम उनको डालने से पहले उनको समझा देते कि सेट जो गैस जाएगा आपका 150 एक्स्ट्रा जाना है, आपको अगर फुल करवाना है गाड़ी तो फुल करवाइए, कम डलवाना है तो कम डलवाइए, मिक्सिंग की वजह से ज़्यादा जा रहा है गैस, सेट गैस हल्का गैस हो गया है, उसकी वजह से गैस ज़्यादा जा रहा है। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ गैस का मिक्सअप अब गाड़ी वालों को काफ़ी परेशान कर रखा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर लोगों की कतार लगी हुई है, लोग गैस के लेकर इतने परेशान हैं, उनका कहना है कि जो 150 रुपये का गैस हुआ करता था वो गैस उन्हें अब 300-350 तक भरना पड़ रहा है। जबकि महानगर के गैस के पंपों पर मिक्सअप का गैस नहीं मिल रहा है, क्लियर गैस मिल रहा है। ऐसे में जिस तरह से ये मिक्सअप को लेकर लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है, इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि महंगाई की मार कहीं ना कहीं अब आम लोगों पर भी देखने को खुलकर मिल रही है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ मैं संजय दुबे, सुर्खियां न्यूज़, मुंबई।